हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल गेन ब्रेन हिमांशी ऋषि सो आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगा आंसर की जो कि रहने वाली है जे एस एग्ज़ाम से रिलेटेड सो यस दो दिन पहले ये एग्जाम हुआ था सत्रह को और उसका मैं जनरल इंग्लिश का पोर्शन आपके साथ डिस्कस करूँगी बेसिकली आंसर्स डिस्कस करूँगी और जहाँ पे मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन देने की ज़रूरत है आई गिव देयर नाउ without wasting any time let's get started with our questions so 71 question that is general english ka jo pehla question hai padhte hain active passive se hai bahut mushkil nahi tha khair inka general english ka portion compared to the pgt exam uska general english ka matlab english walon ke hisab se to theek tha but और subjects के हिसाब से difficult था क्योंकि सबका general english का portion मतलब तो same था so yes moving on to the first question choose the best option in which The given sentence has been changed from active voice to passive voice. I lost my watch in the rural fair. अब हमें चार ऑप्शंस दिए हैं तो रूल्स अगर आपने पहले की वीडियो मेरी देखी है आपको पता होगा इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन दैट इज माय वॉच वाज लॉस्ट इन द रूरल फेयर क्यों क्योंकि देखो ये पहले ही पास्ट टेंस में है लॉस्ट आ गया सिंपल पास्ट में है तो वही रूल हम पैसिव में भी यूज करते हैं ठीक है बस वी थ्री आ जाता है सो माय वॉच वाज लॉस्ट इन द रूरल फेयर सेवेंटी वन का फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट सेवेंटी टू क्वेश्चन चूज द ऑप्शन विच करेक्टली आइडेंटिफाइज द टेंस ऑफ द अंडरलाइन पार्ट इन द गिवन सेंटेंस ठीक है हमें एक सेंटेंस दिया है जो उसका अंडरलाइन पार्ट है हमें उसका टेंस बताना है कौन सा है आर एंड दे गोइंग टू मीट यू सून सो आर एंड दे गोइंग हमें बताना है ये कौन सा टेंस है मुश्किल नहीं है ये क्वेश्चन जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन दैट इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस सो यस ये इजी क्वेश्चन है आर एंड दे गोइंग आर और आई एन जी लग गया तो ये कंटिन्यूस है है ना तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है सेवेंटी टू का नेक्स्ट सेवेंटी थ्री क्वेश्चन फिल इन द ब्लक विद द अप्रोप्रिएट फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट अग्रीज विद द सब्जेक्ट ईच वन ऑफ वर्कर्स डैश अरेज इन सैलरी फ्राम द कमिंग मंथ तो हमें सब्जेक्ट के हिसाब से यहाँ पे करेक्ट वर्ब फिल करना है डैश के अंदर सो so ये ईच से स्टार्ट हो रहा है अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट पढ़ा है नहीं भी पढ़ा तो मैंने आपको पढ़ा रखा है रूल्स बता रखे हैं इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के ज़रूर वो वीडियो देखना जिनका टीजीटी का एग्जाम है बिकॉज सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट से डेफिनेटली पीजीटी में भी दो क्वेश्चन आए हैं और इस एग्जाम में भी हैं तो आपको रूल्स पता होना चाहिए सो so, ईच से जो सब्जेक्ट स्टार्ट होता है तो उसको सिंगुलर वर्ब फॉलो करता है सिंगुलर वर्ब है यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन दैट इज़ वांट्स ठीक है सो ईच वन ऑफ द वर्कर्स वांट्स रेज इन द सैलरी फ्रॉम द कमिंग मंथ तो मैं एक बता देती हूँ जब भी ईच लगा हो ना ईच वन ऑफ देम या फिर ईच एवरी वन एवरी तो हमेशा सिंगुलर का ही इस्तेमाल होगा नेक्स्ट सेवेंटी फोर फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टेंस का है ये वैसे क्वेश्चन बाय द टाइम आई मेट हिम ही डैश रीडिंग द वॉलिनस नॉबल वॉल्यूमिनस मतलब काफी भारी पेजेस का मतलब काफ़ी बड़ा नावल सो so, इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन दैट इज हैड फिनिश्ड अब क्यों ये वाला ना क्वेश्चन बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर आपका टीजीटी का भी या किसी और भी का भी आप एग्जाम दोगे आगे जाके तो आपको ये रूल पता होना चाहिए अगर एक सेंटेंस में दो काम हो रहे हैं दो वर्ब्स हैं तो जो पहले काम हो रहा है उसके आगे आप जरूर हैड प्लस वी थ्री यूज करना और जो सेकंड एक्शन हो रहा है वो हमेशा v2 फॉलो करेगा तो इसमें सबसे पहले एक्शन क्या हो रहा है बाय द टाइम आई मेट हिम ही हैड फिनिश तो पहले उसने नोवेल पढ़ना खत्म कर दिया तो इसलिए इस पे हम हैड फिनिश लगाएंगे और मेट तो हमें दिया ही हुआ है फॉर हिंट तो इसमें से एक v2 तो ऑलरेडी लगा है तो इन टाइप ऑफ क्वेश्चन में या तो आपको V2 लगाना होता है या तो हैड फिनिश्ड और कैसे लगाओगे ये देख के जो पहले एक्शन खत्म हो रहा है उस पे, had, plus V3 और जो सेकेंड एक्शन हो रहा है उसमें V2 आ जाएगा अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये पैसेज से लिया हुआ है तो डेफिनेटली अगर आपने एग्जाम दिया है तो आपको पता ही होगा पैसेज आपने पढ़ा ही होगा तो वो पैसेज ना मैंने इंक्लूड करके सिर्फ हम आंसर्स ही डिस्कस करेंगे जो जो सेवेंटी सिक्स जो सेवेंटी फाइव है वट अनफॉर्चुनेट थिंग हैड हैपन टू दादी तो ये पैसेज दिया हुआ था ये आपको पैसेज में से ढूंढ के आंसर मार्क करना था अनसीन पैसेज में से सो so दादी के साथ क्या चीज़ हुई थी सो so जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फोर्थ ऑप्शन ऑप्शन शी हैड ब्रोकन हर हिप बोन ठीक है वो गिर गई थी और उनकी जो हड्डी है हिप की वो टूट गई थी सो दिस इज़ वाई उनको और ज़्यादा टाइम के लिए हॉस्पिटलाइज रहना था सो सेवन फाइव का फोर्थ बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट व्हाट डस कॉन्विलिसेंस मीन हमें कॉन्वेलिसेंस का मतलब बताना है चार ऑप्शन है सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन इम्प्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशन अगर आप पैराग्राफ पढ़ते तो आपको मतलब अगर मतलब नहीं भी पता होता तो आप वो सेंटेंस पढ़ के मतलब पता लगा लेते कि इसका यही मतलब है कॉन्वेलिसेंस मतलब हेल्थ में सुधार आना सो सेवेंटी सिक्स का थर्ड आंसर बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन सेवनटी सेवन स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू और फॉल्स सो ट्रू फॉल्स बताना है ए स्टेटमेंट है द हॉस्पिटल परसोनल ट्रीटेड दादी विद कंटेम्प्ट कंटेम्प्ट मतलब की घृणा से या फिर खुशी से नहीं उन्होंने दादी का ट्रीटमेंट किया बी स्टेटमेंट दादी वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स एवरी वन जो दादी थी वो सबके प्रति प्यार से रहती थी या सबको अपना प्यार दिखाती थी ठीक है शी वॉज़ वेरी अफेक्शनेट मतलब वेरी फ्रेंडली काफ़ी फ्रेंडली नेचर था उनके सबके प्रति सिर्फ पेशेंट्स ही नहीं बल्कि और जो डॉक्टर्स नर्सेज और जो पेशेंट्स को देखने आ रहे हैं उन सभी के प्रति उनका अच्छा व्यवहार था सो so, अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा इजीली आंसर मिल गया होगा जिसका करेक्ट आंसर है वो है सेकंड ऑप्शन दैट इज़ ए वाला स्टेटमेंट गलत है कोई भी उनको हॉस्पिटल में उनको कंटेम्प्ट के साथ नहीं ट्रीट करता था वेयर एज बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है दादी was वेरी अफेक्शनेट towards everyone. Next नेक्स्ट सेवेंटी एट हाउ डज़ मैचली कम आउट एज अ पर्सन इन द पैसेज पैसेज जब खत्म हुआ तो आपको क्या लगता है कि मैचली जो लड़की थी उसका एज अ पर्सन उसका कैसा नेचर आपको दिखाई दिया पूरा पैसेज पढ़ने के बाद सो जो इसका करेक्ट आंसर है वो है फ्रेंडली एंड डिवोटेड वो काफ़ी फ्रेंडली नेचर की थी और काफ़ी डिवोटेड थी जैसे उसने दादी का ख्याल रखा सो जब पैसेज पढ़ते हैं तो मैचली एक ऐसी ही तरह की एक पर्सन निकलती है सो so, इसका सेवेंटी एट का फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है नेक्स्ट सेवेंटी नाइन द टोन ऑफ द पैसेज इज़ नरेटिव आर्गूमेंटेटिव रिफ्लेक्टिव या फिर डिस्करसिव तो हमें बताना है जो ये टोन है पैसेज का वो कैसा है सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन थ्री दैट इज़ रिफ्लेक्टिव टोन है रिफ्लेक्टिव टोन का मतलब होता है कि कोई इसमें यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस बता रहा है ठीक है रिफ्लेक्शन ऑफ द एक्सपीरियंसेस सो किसी के यहाँ पे आपने जो पैसेज पढ़ा तो आपको किसी के एक्सपीरियंस के बारे में पता चल रहा है सो दैट इज रिफ्लेक्टिव नेक्स्ट एटी क्वेश्चन रीअरेंज द पार्ट्स इन करेक्ट ऑर्डर तो बेसिकली हमें इनको रीअरेंज करना है इन चार पार्ट्स को और एक मीनिंगफुल सेंटेंस बने उस तरीके से सो so, जो इसका करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन फोर्थ दैट इज सी ए बी डी अगर आप सी ए बी डी को पढ़ोगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बैठ रहा है देखिए दे रैन आफ्टर द थीफ एंड फाइनली कॉट हिम वाइल ही वॉज जम्पिंग इन टू अ स्पीडिंग बस अगर आप और कोई तीन ऑप्शन के साथ जाओगे तो मीनिंगफुल सेंटेंस बैठ ही नहीं रहा तो ये मुश्किल नहीं था ज़्यादा करना अगर आपने अगर देखो आगे के एग्जाम्स के लिए भी मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी अगर कभी भी रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चन आएँ जस्ट गो बाई दी ऑप्शन ऑप्शन ए को बी सी ए डी ए को लगा के देखो मीनिंगफुल सेंटेंस बैठ रहा है या नहीं ठीक है अगर आपको लग रहा है तो ठीक है फिर बट इसमें चारों ही पढ़ना और जो आपको चारों में से मोस्ट अप्रोप्रिएट लगे कि ये सबसे तरीके का सेंटेंस ये बन रहा है उसी को मार्क करिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ड नियरेस्ट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड मतलब हमें चार ऑप्शन दिए हैं और हमारा वर्ड है मेलेंकॉलिक मेलेंकॉलिक से सबसे ज़्यादा मिलता जुलता वर्ड हमें बताना है कौन सा है सीरियस सैड फ्रस्ट्रेटेड या जूबलेंट तो सैड इसका करेक्ट आंसर होगा सेकेंड वाला ऑप्शन मेलेंकली मेलेंकोलिक इन दोनों का एक ही मतलब होता है मतलब सैडनेस फीलिंग ऑफ सैडनेस सो एटी वन का टू ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा नेक्स्ट है चूज द वर्ड ऑपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड मॉडेस्टी मॉडेस्टी का हमें बताना है ऑपोजिट। सो so, सबसे पहले तो आपको मॉडेस्टी का मतलब पता होना चाहिए मॉडेस्टी मतलब जब हम डाउन टू अर्थ होते हैं अपनी तारीफ नहीं करते बेसिकली हम डाउन टू अर्थ होते हैं और तरीके से रहते हैं तो इसका हमें ऑपोजिट मीनिंग बताना है तो इसका ऑपोजिट मीनिंग होगा फर्स्ट आंसर एरोगेंस ठीक है एरोगेंट ईगोइस्टिक ये सभी इसके ऑपोजिट आंसर है सो so, एटी का फर्स्ट आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा और मॉडेस्टी इम्पॉर्टेंट वर्ड है काफ़ी आगे के एग्ज़ाम्स के लिए भी याद रखना ये बार बार एग्ज़ाम में आता है मैंने अपनी वो कैब में जितने भी पीजीटी में क्वेश्चन आए हैं वो कैब से पीजीटी इंग्लिश में और इसमें भी जो दो तीन आए हैं ये सब मैंने आपको अपनी वोकेबलरीरी की अगर आपने प्ले देखी होगी उसमें मैंने सब डिस्कस करे हैं ये वर्ड्स मॉक टेस्ट के अंदर भी मैं मॉडेस्टी को मुझे याद है मैंने करा रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ई डी एम बी डाउन विद बी डाउन विद ई का हमें करेक्ट मतलब बताना है सो so, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो मेरे हिसाब से थर्ड आंसर होना चाहिए सफरिंग फ्रॉम एलमेंट मतलब आपने सुना होगा हम डाउन विद फीवर है ना तो किसी मतलब बेसिकली जब आप एनर्जेटिक नहीं हो एंड यू आर नॉट इन गुड हेल्थ सो मेरे हिसाब से 83 का थर्ड होना चाहिए नेक्स्ट एटी फोर इन द गिविन सेंटेंस आइडेंटिफाई द पार्ट विच कंटेन्स एन एरर हमें एरर बताना है सो सेंटेंस पढ़ते हैं इट सीम्स दैट ही हैज़ मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम इज इट सो ईजीली पता चल रहा है जो एरर है वो पार्ट डी में है इज इट नहीं होना चाहिए था ठीक है तो ये एरर है सो so, जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा सेकेंड ऑप्शन जिसमें डी मार्क कर रखा है सो एटी फोर का सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है नेक्स्ट एटी फाइव फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट आर्टिकल वी शुड ऑलवेज टेक ऑफ टेक केयर ऑफ डैश पुअर सो इसका जो करेक्ट आंसर है हमें सही आर्टिकल भरना है सो so, फर्स्ट इसका एकदम करेक्ट आंसर है द पुअर ठीक है आर्टिकल्स के कुछ रूल्स होते हैं किनके आगे द लगता है सो यस द पुअर द रिच ऐसे इनके आगे एक पूरी कॉम्युनिटी ऐसे दिखाने के लिए हम द आगे लगाते हैं सो वी शुड ऑलवेज टेक केयर ऑफ द पुअर सो एटी फाइव का करेक्ट आंसर है फर्स्ट ऑप्शन दैट इज द सो आज की वीडियो में इतना ही था आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो पसंद आई हो तो जरूर लाइक करिएगा शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करिएगा इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल और जो टी जी टी के एस्पिरेंट्स हैं उनका भी एग्जाम है दिस वीकेंड सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड आई वुड सजेस्ट कि आई वुड एडवाइज यू रादर कि जैसे कि अब आपने देख लिया किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं इन्हीं तरीके के क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करिए सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट हो गया आर्टिकल से क्वेश्चंस आपको देखने को मिले सो बेसिकली सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट अगर आपको पता होगा फिलअप भी कर लोगे आप एरर भी फाइंड कर लोगे सो so, सबसे मेन टॉपिक आप उसको करिए और जिनका मेन सब्जेक्ट इंग्लिश है आप अपनी आ, वो कैप पे पकड़ बनाइए क्योंकि वो कैब से जनरल इंग्लिश में भी बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं और आपको अपने मेन एग्जाम में तो आएंगे ही सब्जेक्ट में सो थैंक यू सो मच ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड जिनको ऑलरेडी हो गया ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर रिजल्ट